भी नहीं भाई, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, नवाज शरीफ आएगा और सब कुछ ठीक होगा भाई। ये तुहाडे ख्वाब ने हकीकत गल है, ये तुसी दिल नूं तसल्ली दे रहे जे, ये तुसी दिल नूं तसल्ली दे रहे जे, आना आना कोई नहीं उसने। अगर वो चोर होता मुल्क से भाग जाता, नवाज शरीफ की तरह 3 हफ्ते की गारंटी लेके भाग जाता। चोर साबित भी तो करता ना, 4 साल हुकूमत की ये साबित कर देता, वो भरी हो गए सारे इसकी हुकूमत। अरे भाई ये देखो, जब नवाज शरीफ को पकड़ा था ये कह रहा था मैंने एसी बंद कर दूंगा, इसको मैं जमीन पे सलाऊंगा। जी नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आने उन्होंने इलाज नहीं होना, उन्होंने इलाज ही उतना। नवाज शरीफ ने भाई सारे काम उसने किए, लाइट उसने बनाई है, मोटरवे उसने बनाया भाई, और सारे काम जितनी तरक्की पाकिस्तान में हुई है सारी नवाज शरीफ ने की है, ना जरदारी ने की है, ना इमरान खान ने की है, ना किसी और ने की है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने मोटरवे बना दी है अपने लिए लंदन में हॉस्पिटल। देखे मेरे प्यारे भाई, लंदन में बना दिए, मेरी बात सुनो एक मिनट, यहाँ हॉस्पिटल नहीं बने हुए, यहाँ लोग दूसरे नहीं जाते भाई इलाज करवाने के लिए, जिसके पास पैसा है वो जाता है, चाहे वो वजीर आजम है चाहे वो दूसरा है ना भाई, वो आपका नहीं है पैसा। तो जो इमरान खान को पैसा मिला वो कहाँ गया फिर? उसने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया, वो तो पाकिस्तान पे पैसा खाया नहीं भाई। एक मिनट यार, एक मिनट हौसला करो यार। मुझे बताओ ना, इमरान खान ने क्या दिया, या जरदारी ने क्या दिया? वो भी तो वो टाइम आया था ना जब हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे गाड़ियों में बैठते, लाइट नहीं आती थी, वो किसी ने ठीक की? नवाज शरीफ ने खराब कर शहबाज शरीफ साहब कह के गए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। भाई बता मेरी बात सुनो एक मिनट, ऐसे नहीं होता, जिस जिसको पकड़ते हैं वो बाहर ही भागता है। चोर कभी जिंदगी नहीं आता, अगर याद रखना। वो चोर कह रहे ये क्या निकला, डाकू निकला कि नहीं, पैसा इसका करप्शन निकली कि नहीं, सब कुछ निकला है ना इसका, वो ये लोग ने ना इन्होंने वोट पाना नवाज शरीफ नू, ना पाना इमरान खान नू, इन्होंने पाना कायदे आजम नू, इन्होंने वोट पाना कायदे आजम नू, ये लोग ने। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, वो मतलब कागजा नाल ही बने ने, बकाया अवाम ने वोट तो कोई नहीं पाया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे वोट लेने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं नवाज, वो आ रहे ने, नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आने उन्होंने इलाज नहीं होना, उन्होंने इलाज ही उत्थे होना। इमरान खान को जेल के अंदर शेविंग क्रीम नहीं दी जा रही है, शेविंग ब्लेड भी नहीं दिए जा रहे हैं, इमरान खान की दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है क्या? मेरे प्यारे भाई ये देखो, जब नवाज शरीफ को पकड़ा था ये कह रहा था मैंने एसी बंद कर दूंगा, इसको मैं ज़मीन पर सलाऊंगा, ये भी इसके लफाज है ना मेरे प्यारे भाई, ये ऐसा होता है जब जिसकी हुकूमत होती है फिर वो ऐसा काम करता है। जब इसको पकड़ा था नवाज शरीफ को तो ये क्या क्या बयान देता था, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं ज़मीन पर सलाऊंगा, इसको मैं एसी बंद करूँगा, ये भी तो इंसान था ना, वो भी इंसान है, उसका ख्याल रखता, ये भी उसका ख्याल रखे, ये नहीं मैं कहता, वो भी इंसान है, मगर जो आवाम का ख्याल सारे रखते हैं जो आता है, इसने रखा बहुत अच्छी तरह रखा, हमने याद रखेंगे इसको। अपना नहीं करता कहता आवाम का क्या कर सिया, बात बताइए, सिर्फ आवाम के जहन में है कि ये चोर है, चोर साबित भी तो करता ना, 4 साल हुकूमत की ये साबित कर देता, वो भरी हो गए सारे इसकी हुकूमत, उसके बाद भी भरी हुए हैं भाई। इमरान खान को किस जुर्म में जेल में डाला गया? इमरान खान को इस जुर्म में डाला गया, वो सच्चा था और ईमानदार था, इस वजह से डाला गया। वो चोर होता मुल्क से भाग जाता, नवाज शरीफ की तरह 3 हफ्ते की गारंटी लेके भाग जाता, ठीक है, वो चोर नहीं है, वो इस वजह पाकिस्तान की जेल में बैठा हो, कहता इधर ही मरूंगा इधर ही रहूंगा, चोर नहीं है। एक को छोटी सी बीमारी लगी, वो भी कल लंदन चले गया, मरियम भी एक सर्जरी कराने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाती है, ये पाकिस्तानी कौम के पैसा इस तरह जाता है, इनको शर्म आनी चाहिए, अपने बच्चों को अपने पे इतने पैसे लगाते हैं, कौम को पूछे क्या हालत है। इमरान खान को किस जुर्म में जेल में डाला? ये कह रहे हैं कि इमरान खान को किस जुर्म में जेल में डाला है, जरदारी क्यों निभाई गया, ऐसे तो वो भी अच्छा है, फिर जरदारी की तरीफे भी करो ना, वो भी बाहर नहीं गया, ये कह रहे हैं इमरान खान बाहर चला नहीं गया, वो ऐसे नहीं किया, वो क्यों नहीं बाहर गया? तो एनआरओ मांग रहा है।
तो फिर वो भी अच्छा आदमी है, फिर ऐसे तो वो भी नहीं भागा मुल्क से, तो उसकी भी तारीफें करो ना कि वो भी पाकिस्तान में रह के वो कर रहा है सारा कुछ। इमरान खान की सब तारीफें हैं भाईजान, और कुछ भी नहीं। मुझे बता दो एक काम नवाज ये इमरान खान ने जो किया हो। अच्छा, मेरा सवाल है, 55 रुपए किलो चीनी थी, 120 रुपए छोड़ के गया, महंगाई उसने की है। जो 155 रुपए कश्मीर घी था वो 500 रुपए छोड़ के गया। शुरुआत किसने की? इमरान खान ने। महंगाई किसने की? इमरान खान ने। अच्छा, वो 100 रुपए कह रहे, 300 रुपए किसने बचाया? मुझे बताओ ना आप, इमरान खान किस जुर्म में जो है वो जेल में डाला गया? भाई करप्शन के केस है उसके पे ऊपर, और उसको ऐसे ही डाल दिया। कौन सा करप्शन? गरीब चोर है भाई, इतने उस पे करप्शन। गरीब वो कह रहा है मैं रास्ते मदीना हूँ। इमरान खान की घड़ी बेच रहा है। इमरान खान को घड़ी चोरी के इल्जाम में जो है वो जेल भिजवाया गया। भाई और भी बहुत करप्शन है उस पर, और भी बहुत केस है मेरे प्यारे भाई। आप क्या समझते हैं, इमरान खान को घड़ी के बीच में जो है वो जेल में डाला गया है? हाजी साहब नज़दीक आए ना, क्या हाल है हाजी साहब? जी फरमाए, शुक्र है। सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? बस जिस तरह मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं, वही जिल्लत की मौत, इज्जत की मौत भी नहीं है। महंगाई का ये आलम है, किसी को दूसरे की परवाह नहीं, ख्याल ही नहीं। वज़ीर आज़म किसे देखना चाहते हैं पाकिस्तान? वज़ीर आज़म जिसे आवाम पसंद करेंगे ऐसे ही होगा। आप वोट किसे देने वाले हैं? हम यहाँ के वोट नहीं हैं। अच्छा, इमरान खान ने जेल के अंदर दाढ़ी रख ली है, कुछ कहेंगे? पता नहीं, ये तुम्हें पता होगा कि दाढ़ी रखी है या नहीं, मैंने नहीं देखा है। शेविंग ब्लेड नहीं मिला, शेविंग जेल भी नहीं? नहीं, मैंने देखा है। अच्छा, इमरान खान को तोशा खाना वाले केस में डाला गया है जेल के अंदर। इमरान खान को लाइक कभी साइफर के मामले में अरेस्ट करते हैं, कभी तोशा खाना? कहा भाई आपको को उसको शेविंग क्रीम नहीं मिली, किसने देखा है? नहीं, आप कह रहे हैं ना उसको नहीं मिली, किसने देखा या किसने कहा? अब तो वो कहते हैं ना कि ये नहीं मिल रहा, वो ऐसे तो नवाज शरीफ भी कहता था मुझे जमीन पर सुला रहे, मुझे ऐसी नहीं दे। ये बातें हैं सिर्फ मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं आप, क्या होने जा रहा है मुल्क के अंदर? मुल्क भी नहीं भाई, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, नवाज शरीफ आएगा और सब कुछ ठीक होगा भाई। ये तुहाडे ख्वाब ने हकीकत गल है, ये तुसी दिल नूं तसल्ली दे रहे जे। ये तुसी दिल नूं तसल्ली दे रहे जे, आना होना कोई नहीं, उसने उन्हें पाकिस्तान नहीं आना, उन्हें इलेक्शन च कितों खड़ा होना है? भाई शहबाज शरीफ आएगा ना, नवाज शरीफ नहीं आएगा, शहबाज शरीफ तो यहीं पे है ना। नवाज शरीफ ही आएगा, वो मेरी बात, वो कह रहे हैं ना नवाज शरीफ नहीं आएगा, शहबाज शरीफ तो इधर ही है ना, उसकी बेटी तो इधर ही है ना, वो नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये बात तो एक दिन वो वापस आएगा, इलेक्शन लड़ेंगे सर, क्या हो गया? नहीं, वो बाहर के जेड़े पैसे इकट्ठे किए हो खाने नहीं, खाना से भी टाइम दियो यार। मैं ही कहूँ बहुत शौक है उस्ताद, नवाज शरीफ का खब्बा भी है, सजा भी है। मुझे ये बताएं कि आगे क्या देखते हैं आप, मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम पैदा होगा, हालात बेहतर हो सकते हैं, निगरा हुकूमत से कोई उम्मीद है? मेरे घर का बिल भाईजान आंदा सी 2018-1500, हद मारो 3000, ऐद की बिल भराया भाईजान 22500 रुपया। हुण मैनू नवाज शरीफ ने आके देना है या इमरान खान ने आके देना है? मकसद कहने का है ना, असी अपनी सहूलत देखनी है, सानू जिहड़ा बंदा सहूलत देगा असी उन्हूं वोट देवांगे, मकसद कहने का है। बगैर गलत रख लो, की हाल है चाचा? शुक्र है। हालात मेरे पास मैं सारे वजीरे में डाल देवां, एक भी ना छड्डा। हाँ, दौरे पैंदे ने अपनी मर्जी नाल, किसे नूं नहीं, मेरे भाई बोर्ड ने किसे नूं नहीं पाउणा, ना इमरान खान नूं, ना नवाज शरीफ नूं, ना किसे नूं भी नहीं पाउणा, इहदे प्रवीण पाउणा। नहीं ते क्यों नहीं डिया इमरान खान कोट? असीं नहीं देना, किसे नूं वोट नहीं देना, क्यों? सब अपना पहले लोग अपने पेट का सोचते हैं, अपने पेट का, किसी पेट का नहीं सोचते। मुझे ये बताएं कि जो मुल्क है ना वो सूद पे चल रहा है,
जब मुल्क सूद पे चल रहा है तो अवाम ने क्या करना? अवाम तो खुद ब खुद इनके भी जोन साहब परेशान होगी ना। एक हज़ार रुपया 10,500 बिल आया मेरे कार्ड का, की चलता तीन पखे चलते ने, कितों देना बिल? और तेरा उत्थे पल गया बैठा। ओ शहबाज शरीफ गया पता नहीं केड़े मुल्क, ओनू टुरना नहीं आता, उत्थे गया उन्हें कहा मैं इधर मांगने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है मांगना। एह सियासतदान ने भी मजबूरी है भी मंगना, बाहरों मंगाओ अपने पैसे। इंडिया के स्टील मिलां लाइया ने, क्यों लाइया ने, किस वास्ते लाइया ने? स्टील मिल उत्थे है, कारगिल की पहाड़ियाँ से कब्जा हो गया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज उत्थे चली गई है, कब्जा हो गया, हर चीज़ हो गई है। नवाज शरीफ ने फोन करके किस वास्ते गया? वोट नवाज शरीफ का, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही थे, जिस तक जिंदा वा वोट नवाज शरीफ को देना, जो कुछ मर्जी हो जाए, पर इमरान खान जो कुछ मर्जी हो, नवाज शरीफ कुत्तियां भी खड़ा कर सी ना, कुत्तियां भी वोट पासा इंशाल्लाह ताला, वोट नून लीग का बस। इमरान खान ने जेले दाढ़ी रखा सर, जो कुछ मर्जी रखे असर वोट ही नहीं देना, दाढ़ी रखे भला, मुछा रखे भला, जो कुछ मर्जी रखे भला, पानी जी तैरे उत्थे, असी वोट नवाज शरीफ को देना इंशाल्लाह ताला।